अगर गौड़ ब्राह्मण संस्था के मामले में हमारा पूरा समर्थन ब्राह्मण समाज और गौड़ ब्राह्मण संस्था के साथ, पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी की हुड्डा सरकार के समय ऐरावर गांव की भावना को देखते हुए ये जमीन हुड्डा सरकार की कैबिनेट मीटिंग के माध्यम से नियम और कायदे कानून के अनुसार गौड़ ब्राह्मण संस्था को दी गई थी। तत्पश्चात अब ये जो जमीन है, इस जमीन पे पूरा हक गौड़ ब्राह्मण संस्था का है। ये गौड़ ब्राह्मण संस्था की जमीन थी, है और रहेगी। कोई भी सरकार ब्राह्मण समाज को, गौड़ ब्राह्मण संस्था को इस जमीन के हक से वंचित नहीं कर सकती। हमारी मांग है कि सरकार तुरंत इस पे जन भावनाओं के अनुसार सकारात्मक निर्णय ले। और ये केवल ब्राह्मण समाज की बात ही नहीं है, हमारे इलाके की छत्तीस बिरादरी की भावना यही है। और इसमें सरकार अविलंब निर्णायक फैसला ले, नहीं तो खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये जमीन गौड़ ब्राह्मण संस्था की थी, ये जमीन गौड़ ब्राह्मण संस्था की है और ये जमीन गौड़ ब्राह्मण संस्था की रहेगी। साथ में जब हमारी सरकार के समय गौड़ ब्राह्मण संस्था में 17 करोड़ के विकास कार्य हुए थे और सरकार की तरफ से जितनी अधिक से अधिकाधिक मदद, हर रूप में आर्थिक की मदद की रूप हो या 15.5 एकड़ जमीन अलग अलग गांव ग्राम पंचायत के माध्यम से लोगों की भावनाओं के अनुसार जमीन गौड़ ब्राह्मण संस्था में स्थानांतरण कैबिनेट की मीटिंग के माध्यम से किया गया था। लेकिन पिछले 8 साल में मौजूदा सरकार और मुख्यमंत्री 2018 में एक उन्होंने विजिट करी और उसमें भी जो घोषणा की गई, आज तक कोई ग्रांट गौड़ ब्राह्मण संस्था में 1 रुपये की भी नहीं आई। दुर्भाग्य है कि हमारी शिक्षा की ऐसी महत्वपूर्ण संस्था को 8 साल से इस सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दी। ऐसे में सरकार अब अविलंब ये फैसला करे और निर्णायक फैसला करे। एक बार फिर हम इस मांग को दोहराते हैं और समाज को, ऐरावर गांव को और ब्राह्मण समाज को और गौड़ ब्राह्मण संस्था को पूर्ण तरह से अपना समर्थन करते हैं।